तो आज होममेड आटा ब्रेड बनाएंगे। इतना डिलीशियस बनता है और इतना परफेक्ट ब्रेड बनेगा कि आप हमेशा आप घर पे ही बनाओगे। तो बहुत इजी प्रोसेस है, बट थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, टाइम टेकिंग है। मेहनत तो ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो बहुत ही अच्छा देखो आप रिज़ल्ट देख सकते हो, एकदम बड़ा पैक बन के रेडी हुआ है। आई मीन जो ब्रेड का बड़ा पैक आता है। तो सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, आप आराम से कंज्यूम कर सकते हो। और बाहर के ब्रेड में प्रिजर्वेटिव ज़्यादा होता है, वो कितने दिनों तक रहता है, और घर में आप एक दो दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते हो ब्रेड को, वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हमें बाहर का प्रेफर नहीं करना चाहिए। तो चलो बनाते एकदम सॉफ्ट आटा ब्रेड, एकदम परफेक्ट टेक्स्चर आया है, बहुत इजी प्रोसेस है। तो एक बाउल लेंगे, उसमें एक कप दूध लेना है। तो दूध हमारा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, मतलब इतना गर्म होना चाहिए कि आप उसमें फिंगर आराम से डाल सकते हो। तो इतना गर्म लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे, वैसे तो 2 टेबल स्पून डालना है, बट हम लोग घर पे बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे, सिर्फ क्योंकि मीठा ब्रेड हो जाएगा। अगर आपको मीठा चाहिए तो आप 2 टेबल स्पून चीनी डाल सकते हो, वैसे 2 टीस्पून इनफ है। तो मैं यहाँ पे 2 टीस्पून ही डाल रही हूँ। फिर हल्का सा उसको मिक्स कर लेंगे, बस चीनी हल्का सा घुल जाए, थोड़ा सा चला लेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें ईस्ट डालेंगे। तो ईस्ट आपको ईजिली ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगा, आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दे दूँगी। तो 1/2 टेबल स्पून इसमें ईस्ट डालेंगे, इंस्टेंट ईस्ट पाउडर जो आता है ना वो डालेंगे। तो उसको अच्छे सा मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको ढक देंगे 5-10 मिनट्स के लिए। तो समर है तो 5 मिनट्स में ही सेट हो जाता है, अगर विंटर है तो 10 मिनट भी लगता है, बस वो अच्छे से फूल जाना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह का होना चाहिए। वैसा अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप ये रेसिपी बनाओगे तो आपका परफेक्ट ब्रेड नहीं बनेगा। तो आप इसको स्किप कर सकते हो उस आटे का, आप नॉर्मली कुछ भी पिज़्ज़ा वगैरह बना के खा सकते हो। बट परफेक्ट आप देख सकते हो, ऊपर एकदम बबल जैसा हो गया है, थिक लेयर सब जम गया है। तो इस तरह का सेट होना चाहिए। तो सिर्फ मैंने इसको 5-6 मिनट्स के लिए रखा था और ये सेट हो गया था। फिर दूसरे बड़े बाउल में जिसमें आटा लगाना है, वो बड़ा सा बाउल ले लेना है आपको, जिसमें आटा आपका ईजिली लग जाए। तो यहाँ पर 3 कप आटा लिया है, बिकॉज मैंने तो मुझे बिग लोफ बनाना है ब्रेड का। अगर आपको थोड़ा छोटा बनाना है तो आप 2.5 कप ले सकते हो। तो 3 कप आटा लिया है मैंने, नॉर्मल गेहूं का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं वही लिया है। फिर इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और 1-2 चम्मच तेल डाल दिया है, नॉर्मल रिफाइंड तेल जो भी आप यूज़ करते हो वो डाल सकते हो, या फिर बटर भी आप डाल सकते हो। तो बस इसको अब जो हमने ईस्ट का जो मिक्सचर रखा था उससे हमें इसको गूंदना है, तो वो मिक्सचर पूरा डाल देंगे। इसको हल्का सा एक बार मिक्स कर देंगे नमक एंड ऑयल। उसके बाद इसमें जो मिक्सचर हमारा था ईस्ट का वो डाल देंगे इसमें, तो पूरा डाल देंगे इसमें। उसके बाद इसको हल्का मिक्स करेंगे और थोड़ा सा गुनगुना पानी भी आपको कर लेना है, 1/4 कप के अराउंड। और जो ईस्ट का बैटर है, जो मतलब जिस बाउल में है उसी बाउल में हम लोग पानी ढो के इसमें डाल देंगे, बिकॉज जो लगा हुआ होगा ईस्ट वगैरह वो भी हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो जो पानी आप डालोगे एक्स्ट्रा, आपको गुनगुना पानी लेना है, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी लेना है, तो उससे अच्छा हमारा सॉफ्ट डो बनेगा। तो आपको एकदम आपका डो ना थोड़ा सा गीला टाइप होना चाहिए। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो फिर मैंने आटा को थोड़ा सा लाइक रोटी हम लोग बनाते हैं उतना हार्ड रखा था, उतना सॉफ्ट रखा था जितना हम लोग रोटी का आटा लगाते हैं। तो मेरा जो ब्रेड है एंड मैंने उससे पिज़्ज़ा ब्रेड बनाया था तो वो अच्छा नहीं बना था। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका ड्राई है, एकदम आटा आपका गीला सा होना चाहिए, ताकि हम लोग उसको नीड करके सॉफ्ट करके फिर थोड़ा स्टिकी सा आटा होना चाहिए, मतलब डो लगाते वक्त आपका हाथों में लगना चाहिए आटा। तो अगर आपका आटा थोड़ा ड्राई लग रहा है तो आप उसमें स्प्रिंकल कर सकते हो हल्का सा, 1-2 चम्मच और गर्म पानी। वैसे 1 कप जो ईस्ट का मिक्सचर था उसमें हम लोग 1 कप दूध डाले थे और 1/4 कप एक्स्ट्रा पानी डाले थे, उतना एकदम परफेक्ट रेशियो है। फिर भी आपको लगता है कि आटा आपका थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो आप 1-2 चम्मच और गर्म पानी डाल सकते हो, लेकिन आटा आपका गीला रहना चाहिए एकदम, जो हम लोग रोटी का बनाते हैं उससे भी सॉफ्ट रहना चाहिए, तभी आपका आपका ये जो ब्रेड है वो परफेक्ट बनेगा। तो अभी हम लोग बाउल में अच्छे से नीड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग इसको नीचे निकाल लेंगे प्लेटफॉर्म पे। तो अच्छे से क्लीन कर लेंगे प्लेटफॉर्म को और हमारा आटा इस पे निकाल लेंगे। आप देख सकते हो आटा कितना गीला गीला सा लग रहा है आपको, तो इसी तरीके से गीला होना चाहिए। अगर आपको परफेक्ट ब्रेड या पाव या फिर पिज़्ज़ा ब्रेड बनाना है तो आपको इसी तरीके का सेम प्रोसेस से आटा लगाना है तीनों के लिए भी। तो
गेहूं के आटे में ग्लूटेन नहीं होता, तो इसमें को थोड़ा सा इसमें ज़्यादा नीड करना पड़ता है ताकि इसमें ग्लूटेन एक्टिवेट हो जाए थोड़ा सा और हमारा ब्रेड अच्छा बने, परफेक्ट बने। तो इसको आप देख सकते हो धीरे धीरे जो स्टिकी था, स्टिकीनेस था वो चला गया और एकदम आटा हमारा परफेक्ट सा बन गया, लाइक हम लोग रोटी का बनाते हैं वैसा सॉफ्ट हो गया है। तो डो लगाते लगाते आपका ना जो स्टिकी है ना वो निकल जाएगा। तो अच्छे से आटे को ऐसे मसलते हुए रोल करते हुए अच्छे से लगाना ताकि आटा पूरी तरीके से स्मूथ हो जाए, अंदर से भी जहाँ पे भी थोड़ा सा दरदरा सा मिक्सचर होगा वो। अगर आपका आटा ज़्यादा गीला लग रहा है, आपको मिक्स करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पे आटा स्प्रिंकल कर सकते हो। तो ये सेम प्रोसेस आप मैदे का भी बना सकते हो, रिफाइंड फ्लोर का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मल्टीग्रेन आटे का भी सेम वे से आप ब्रेड बना सकते हो। तो पाव का भी सेम प्रोसेस होता है, तो सेम रेशियो में आप पाव भी बना सकते हैं। तो आटे को ना अच्छे से कम 8-10 मिनट के लिए मसल मसल के अच्छे से गूंथना है, अच्छे से नीड करना है ताकि हमारा ना एकदम सॉफ्ट डो बन के रेडी हो जाए। तो लगभग 8 मिनट तक नीड करने के बाद हम लोग इसमें 1-2 चम्मच बटर डाल देंगे। तो बटर जो होगा हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट सा होना चाहिए, या फिर बटर नहीं है तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो बटर लगा के भी अच्छे से नीड करना है इसको ताकि 1-2 मिनट तक, ताकि और ये सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरीके से नीचे की तरफ फोल्ड करते जाना है इसको। आप देख सकते हो कि बीच में ये अच्छे से नीड नहीं हुआ है, खुरदुरा सा है। तो इसी तरीके से नीचे से फोल्ड करते जाना है और स्मूथ करते जाना है इसको थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि और अच्छा हमारा आटा रेडी हो जाए। तो 1-2 मिनट और नीड करने के बाद हमारा आटा सॉफ्ट सा हो जाएगा, एकदम लाइक हम लोग रोटी का बनाते हैं ना उस तरीके का हो जाएगा। पहले हमारा आटा गीला हिला सा था, हाथों में स्टिकी हो रहा था, आप देख सकते हो कितना स्मूथ हो गया आटा। फिर इसको अच्छे से फ्लैट थोड़ा सा रोल कर लेंगे और इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको नीड कर लेंगे और सील कर देंगे। तो जैसे भी आपको वीडियो में दिख रहा है वैसे आपको प्रोसेस सेम रिपीट करना है। तो इसको फ्लैट करना है और थोड़ा सा ऐसा फोल्ड करते हुए इसको दबाते जाना है, थोड़ा सा फोल्ड एंड सील करते जाना है इस तरीके से। उसके बाद हमारा आटा रेडी हो गया, अब इसको हम लोग सेट होने के लिए रख देंगे। तो कम से कम 2 घंटे के लिए हमें रखना है इसको, 1.5 से 2 घंटे में हमारा आटा फुल के रेडी हो जाएगा सेट होने के लिए। तो इस तरीके से करने से आटा अंदर से भी अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाता है और हमारा ब्रेड एकदम परफेक्ट बनता है। तो जिस बाउल में लेना है उस बाउल में हम लोग बटर लगा लेंगे, अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। तो इस तरीके से नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे आटे को। अब पहले से आप देख सकते हो कि पहले हमारा आटा ज़्यादा खुरदुरा सा था और अब थोड़ा सा स्मूथ हो गया है पहले से। तो हमारा आटा ऑलमोस्ट नीड हो गया अच्छे से। इसको थोड़ा देर वैसे सेम प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे, थोड़ा सा और स्मूथ कर लेंगे। तो अच्छे से हमारा स्मूथ होने के बाद हम लोग इसको सेट होने के लिए रख देंगे 2 घंटे के लिए। तो जो बाउल हमने लिया था नीड करने के लिए वही बाउल में, बड़ा सा बाउल जो भी है, क्योंकि आटा फूलने के बाद राइस होगा तो आपको बड़ा सा बाउल या पतीला जो भी होगा आपके पास वो यूज़ करना है। तो मैं थोड़ा सा इसमें बटर या ऑयल लगा दूँगी अच्छे से, बिकॉज आटा फूलने के बाद ऊपर तक आएगा तो वो चिपके ना, तो पूरा ऊपर तक हमें ऑयल या बटर जो भी है वो लगा लेना अच्छे से पूरे बाउल में। अगर बाउल नहीं है तो आप कुकर वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा पतीला या बर्तन यूज़ करना जो आपका हाई राइज हो, थोड़ा सा ऊंचा हो, ताकि हमारा आटा फूल के बाहर ना आए। तो थोड़ा सा हम लोग ऑयल या बटर जो भी है वो ऊपर भी आटे के लगा देंगे ताकि हमारा आटा सूखे ना, ऊपर से ड्राई ना हो। तो अच्छे से लगा देंगे और इसको ढक देंगे। आप क्लिंग रैप से ढक सकते हो या फिर लिड से, कोई भी ढक्कन से ढक सकते हो, प्लेट थाली जो भी है आपके पास उसे ढक सकते हो, या फिर आप इसको कपड़े से भी ढक सकते हो। देखो हमारा आटा फुल के एकदम राइज हो गया है, डबल से भी ज़्यादा हो गया था। तो इस तरीके से इसको निकाल लेंगे, फिर थोड़ा सा पंच कर देंगे ताकि उसका एयर निकल जाए, आटे में जो एयर आया है वो निकल जाए, और फिर से इसको 1-2 मिनट के लिए नीड कर लेंगे। अब आप नीड भी करोगे तो भी आपको आटा थोड़ा सा राइज राइज सा ही लगेगा। तो आप नीड करते जाओगे और आपका आटा हल्का हल्का फूलते हुए ही जाएगा। तो इसको 1-2 मिनट नीड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग रोल आउट करेंगे ब्रेड के शेप में, ताकि हमारा आटा ब्रेड का शेप ले ले, और उसके बाद हम लोग इसको फिर से सेट होने के लिए रखेंगे 1/2 आवर के लिए। तो इसको अच्छे से फ्लैट थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और इस तरीके से फोल्ड करना है और सील कर देना है। तो सेम वे में आप रिपीट कर सकते हो 2 बार भी, ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं एक बार और कर रही हूँ, बिकॉज एक बार अच्छे से नहीं हुआ था। तो अच्छे से आटे को स्प्रेड करना है लंबा, ताकि थोड़ा सा आटा हमारा अच्छे से फोल्ड करना है और उसको सील करते जाना है इस तरीके से, ताकि हमारा ब्रेड जो है ना वो एकदम परफेक्ट बने। तो ब्रेड बनाने के लिए ये स्टेप यूज़ होता है, और पाव बनाने के लिए हम लोग छोटे छोटे रोल्स बनाते हैं अलग अलग। तो अच्छे से हमारा आटा रोल हो गया है, इसको हम लोग
टिन ले लेंगे, जो ब्रेड वाला आपका टिन होगा आपके पास ब्रेड बनाने के लिए, उस टिन में अच्छे से हम लोग इसको फ्लैट रेक्टेंगल में इसको रोल आउट कर लेंगे, ताकि हम लोग इसको ब्रेड शेप में, लोफ शेप में बना सकें। तो ब्रेड का जो टिन होगा आपके पास वो आप ले लेना, उसको अच्छे से ऑयल या बटर से ग्रीस कर लेंगे हम लोग। मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल स्प्रिंकल कर दिया है, और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऊपर तक, ताकि हमारा आटा राइज होने के बाद वो चिपके ना, टिन में चिपका ना रह जाए, तो अच्छे से वो निकल जाए। जब वो हमारा ब्रेड रेडी होगा उसके बाद वो ईजिली निकल जाएगा। तो लाइक हम लोग केक टिन को करते हैं, उसी तरीके से इसको भी करना है। उसके बाद हम लोग इसमें ब्रेड का आटा रख देंगे। तो मेरा ये टिन थोड़ा साइज़ में छोटा भी लग रहा है मुझे ब्रेड के अकॉर्डिंग, तो और इसका साइज़ भी एकदम, एक्चुअली अगर आप ब्रेड का टिन लेना तो आप थोड़ा सा बड़ा लेना, और बिकॉज़ हमारा ब्रेड राइज होके और अच्छा बनेगा, और इसमें ऊपर ये डिज़ाइन दिया है, इसके वजह से आटा राइज होके यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो जितना आपका हाइट वाला टिन होगा ना, उतना अच्छा हमारा बनेगा ब्रेड। तो इसके ऊपर से हम लोग मिल्क वॉश कर देंगे, ताकि अच्छा कलर आए। तो आटा राइज होने के बाद अगर मिल्क वॉश करेंगे ना, तो थोड़ा सा आटा राइज में कम हो जाता है। इसके लिए पहले ही हम लोग मिल्क वॉश कर देंगे, और इसको ढक के फिर से आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि हमारा आटा राइज होके थोड़ा सा फूल जाए, थोड़ा सा डबल हो जाए। तो सेम वे हम लोग इसको क्लिंग रैप कर लेंगे, या फिर आप ऊपर से सिर्फ कपड़े से ढक सकते हो, या फिर आपका टिन लिड वाला है तो आप लिड लगा सकते हो। तो हम लोग इसको, मैंने इसको क्लिंग रैप कर दिया बिकॉज इसमें लेट नहीं था। आप देख रहे हो क्लिंग रैप करते करते ही थोड़ा सा आटा राइज हो रहा है, तो इसको मैंने सेट होने के लिए रख दिया। तो आप इसको गर्म जगह पे रख सकते हो। मैंने इसको माइक्रोवेव के अंदर ही रख दिया था, माइक्रोवेव ऑन नहीं किया था, ऑफ ही था, वो ठंडा ही था, बस मैंने उसके अंदर रख दिया था, ताकि थोड़ा सा रेनी सीज़न है, थोड़ा सा ठंडा मौसम था, इसके लिए मैंने उसको माइक्रोवेव के अंदर रख दिया। तो आप देख सकते हो आटा राइज होकर एकदम फूल गया है। तो क्लिंग, एक्चुअली मेरा टिन छोटा है, इसकी वजह से कम राइज हुआ है। अगर आपका टिन अच्छा होगा तो और राइज हो सकता है वो। तो मैं इसको आधे पौने घंटे के लिए रख दिया था, आप 1 आवर के लिए भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आप देख सकते हो कितने बबल्स आ गए इसमें, अच्छे से राइज हो गया है इसको। तो बस ओवन को आपको प्री हीट कर लेना है, तो 30 मिनट्स के बाद ही आप प्री हीट होने के लिए रख सकते हो। उसके बाद आप इस ब्रेड को उसमें रख सकते हो। तो 10 से 12 मिनट के लिए आपको 160 डिग्री पे प्री हीट करना है। उसके बाद 160 डिग्री पे इसको 30 मिनट्स तक आपको बेक करना है। तुम्हारा ब्रेड बनने के लिए रेडी है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से चारों तरफ से फूल गया है ये। तो मैंने हाफ वे होने के बाद ब्रेड में एल्यूमिनियम फॉइल लगा दिया था, बिकॉज मेरा एयर फ्रायर है तो उसमें ऊपर का स्किन पूरा हार्ड हो जाता है। तो अगर आपके में भी सेम इशू होगा तो आप भी थोड़ी देर बेक होने के बाद, 10-15 मिनट बेक होने के बाद, मैंने ऊपर से इसको एल्यूमिनियम फॉइल से रैप कर दिया था, ताकि ये अंदर से अच्छे से बेक हो जाए और ऊपर की स्किन हार्ड ना हो। तो ऐसे ही मैंने पाव भी बनाया था, तो वो भी मेरी ऊपर की स्किन हार्ड हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसको रैप कर दिया था ऊपर से एल्यूमिनियम फॉइल से। तो स्टार्टिंग में ही नहीं करना है आपको, थोड़ा सा बेक हो जाए 10-12 मिनट, उसके बाद करना है। तो जैसे ये बाहर निकालोगे आप, उसके बाद इसको फटाफट से इसके ऊपर बटर लगा देना है आपको, और फिर कपड़े से 5 मिनट के लिए ढक देना है, कोई भी किचन टॉवल से आपको ढक देना है, ताकि हमारा ब्रेड सॉफ्ट रहे। और 5 मिनट के बाद ही हम लोग इसको निकाल लेंगे, बिकॉज़ ज़्यादा देर के बाद निकालेंगे तो हमारा ब्रेड नीचे से गर्म से हीट से मॉइस्चर छोड़ देगा, और वो गीला गीला सा हो जाएगा नीचे से। इसके लिए हम लोग उसको तुरंत साइड से थोड़ा सा नाइफ से इसे रिमूव कर लेंगे, और फिर इसको पलट के आप निकाल सकते हो इजीली। तो आप देख सकते हो हमारा ब्रेड एकदम परफेक्ट बनाया है, कोई भी नीचे चिपका नहीं, और आराम से अपने आप ही निकल गया, क्योंकि हमने इसमें कोई भी बटर पेपर भी नहीं लगाया था, फिर भी हमारा ब्रेड आराम से निकल गया। तो कितना स्पॉन्जी ब्रेड बना है आप देख सकते हो, कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी इतना अच्छा आया है, एकदम परफेक्ट मार्केट स्टाइल ही कलर आया है। तो जो बाहर का ब्राउन ब्रेड होता है वो प्योर 100% आटा नहीं होता, उसमें सिर्फ कलर होता है। तो इसलिए आपको घर का ब्रेड यूज़ करना चाहिए, ये बहुत ही हेल्दी होता है, ग्लूटेन फ्री भी है, और इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो इसको नाइफ से पतले पतले स्लाइसेस कर लेंगे, जैसे ब्रेड होते हैं उसी तरीके से आप स्लाइस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट ब्रेड बन के रेडी हुआ, एकदम परफेक्ट मार्केट स्टाइल ही है। तो ऊपर की स्किन जो एक्स्ट्रा है वो उसको कट करके आप निकाल सकते हो, और एकदम परफेक्ट स्क्वायर शेप में आपका ब्रेड बन के रेडी हो जाएगा। तो इसी तरीके से सारे स्लाइसेस रेडी कर लेंगे ब्रेड के। तो अराउंड मेरे 19-20 स्लाइसेस बने थे, और मेरे पास अच्छा नाइफ नहीं था ब्रेड कटिंग वाला, तो फिर स्लाइसेस अच्छे से कट नहीं हो रहे थे। और ब्रेड जब आपका कम्प्लीटली ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपको कट करना है। तो मेरा अभी हल्का सा गर्म है, इसके लिए काटने पर थोड़े थोड़े टूट रहे हैं, तो मैं इसको अभी थोड़ा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद कट करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो सारे ब्रेड मैंने कट कर लिए थे ठंडे होने के बाद,
और एकदम परफेक्ट, आप देख सकते हो इसका स्पॉन्ज और एकदम परफेक्ट इसमें जाली आई है, आप देख सकते हो एकदम एकदम मार्केट स्टाइल ही ब्रेड बन के रेडी हुआ है, और कलर भी एकदम परफेक्ट आया है। तो आप भी बना सकते हो एकदम इजी पीजी होममेड आटा ब्रेड, 100% होममेड आटा ब्रेड इसको बोलेंगे, और जो मार्केट वाला होता है वो 100% आटा ब्रेड नहीं होता है। तो आप भी जल्दी से ट्राई कर लो, कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो ऐसे ही बेकिंग के न्यू न्यू रेसिपीज़ मैं लाते रहूँगी आपके लिए। बाय बाय।